तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है कि हमारे पास सिंपल ए और डी की वैल्यू हमें दे के रखा है। ठीक है, अब जस्ट हमें इन दोनों के बेसिस पे आगे के चार टर्म्स फाइंड करने, मतलब चार नंबर आपको लिखने हैं इसके। ठीक है, ये एक एपी का चार नंबर लिखना है। ठीक है, और वो भी किसके बेसिस पे, ए और डी के बेसिस पे। तो सिंपल हम लोगों ने इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर बहुत ही डिटेल में देखे हैं कि कैसे हम लोग टर्म्स को फाइंड करते हैं। आपको कोई भी टर्म्स फाइंड करना है तो बहुत ईजिली आप फाइंड कर पाओगे। हम लोगों ने इसके अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ए कुछ और नहीं होता बल्कि हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ए जो है वो कितना है हमारे पास, सिंपल 10, मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा पहला नंबर कितना हो गया, 10। अब हम लोग को ए टू फाइंड करना होता है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी टर्म हमें अगर फाइंड करना होता है, जैसे कि यहाँ पे ए टू फाइंड करना है, ठीक है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए और प्लस में क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पे 1 से डी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे इसको अगर इसको भी चेक करें तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए तो एज इट इज रहेगा और हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है तो इससे ए कम क्या होता है आपका, 2, और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डी से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्या था, आपका रूल्स था, जिसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको 50 टर्म फाइंड करना है, ए 50 फाइंड करना, तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, ए और प्लस में क्या कर देंगे आप, सिंपल यहाँ पे ये जो है 50 से कम कितना होगा आपका, 49, और उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे, डी के साथ में। तो ये हम लोगों ने सीखा था इस इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल में, है ना। तो हमें तो यहाँ पे जस्ट चार ही टर्म्स फाइंड करना है ना, तो चार टर्म फाइंड करना, तो सिंपल हम लोगों ने आप इसको पहले ही लिख लिया। ठीक है, अब देखें सिंपल हमारा ए तो कितना मिल गया, 10, तो ये हमारा 10 हो गया। अब हमें सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ए दे के रखा है कितना है, 10, तो ये हो गया 10, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है, 10, तो ये हो गया 10। ओके, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 20, मतलब हमारा सेकंड टर्म ये जो ए टू है वो कितना आ गया आपका, 20। ऐसे ही थर्ड टर्म हमें फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म सिंपल हमारा क्या होगा, ऐसे ही करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, सिंपल 10, ओके 10, प्लस ये जो है थर्ड टर्म फाइंड करना, तो इससे एक कम कितना होगा आपका, 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपल डी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और डी की वैल्यू कितना हमारे पास देकर रखा है, 10 ही है ना, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 20, तो कितना आ गया हमारा आंसर, सिंपल 30 आ गया। ठीक है, मतलब A3 कितना मिल गया, सिंपल हमारे पास 30। अब A4 भी फाइंड करना है, मतलब 4 टर्म फाइंड करेंगे कैसे, सिंपल ऐसे ही, तो यहाँ पे A की वैल्यू सिंपल कितना हमारे पास, 10 प्लस 3, और D की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 10, तो ये हो गया 10। ओके, सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30 इज इक्वल टू, प्लस कर दोगे तो 40 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 40। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कितने भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना। ठीक है, हमें यहाँ पे 4 तक ही बोला है तो हम लोग 4 ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। अब हम लोग करते हैं पार्ट 2, सेम टू सेम वो भी ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो इसमें हमारे पास सिंपल ए कितना है आपका, -2, तो ए सिंपल यहाँ पे क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म, तो हो गया -2। अब हमें यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस डी, तो ए कितना देके रखा है हमारे पास, -2, तो हो गया -2, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 0, तो ये हो गया आपका 0। तो 0 यहाँ पे प्लस करेंगे इसके साथ में तो -2 ही रह जाएगा, तो ये भी आपका -2 ही आ गया। थर्ड टर्म भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, तो थर्ड टर्म यहाँ पे ए कितना है, सेम वही रहेगा, -2 प्लस 2, और डी की वैल्यू मैंने कितना देके रखा है, 0, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -2 एज इट इज, 0 इंटू 2 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, -2। तो थर्ड टर्म हमारा कितना हो गया, -2। फोर्थ टर्म भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा हमारा, तो ए की वैल्यू कितना हमारे पास, सिंपल -2 प्लस 3, और डी की वैल्यू कितना है, 0। सॉल्व करें इसको, यहाँ पे -2 प्लस 3 इंटू 0 0, आंसर कितना आ गया, -2 ही आ गया। तो ये भी कितना हो गया आपका, -2, मतलब इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, तो मतलब हमारा एपी कॉमन ही रहने वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 2 का आंसर। अब हम लोग करते हैं पार्ट 3। ओके, तो थर्ड टर्म भी सेम टू सेम ऐसा ही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए, ए क्या होता है आपका, कुछ नहीं बल्कि फर्स्ट टर्म होता है, तो ये हमारा कितना हो गया, 4। ठीक है, ये 4 हो गया। अब ए टू फाइंड करना है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें देके रखा है 4, तो ये हो गया 4, प्लस डी की वैल्यू कितना हमारे पास, सिंपल यहाँ पे -3, तो ये हो गया आपका -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस माइनस माइनस है ना, और 3 एज इट इज, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया आपका, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ए टू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। थर्ड टर्म सेम टू सेम ऐसे ही फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 4, तो ये 4 प्लस 2, और डी की वैल्यू हमारे पास कितना है, -3, तो ये हो गया -3। सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो 4, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 6, सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस आ गया, और 4 में 6 में से 4 का कितना बचा आपका, 2, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, माइनस, यहाँ पे आ गया -2। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे तो ए फोर फाइंड करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए की वैल्यू फोर, तो ये हो गया फोर प्लस थ्री, डी की वैल्यू कितना हमारे पास माइनस थ्री, तो हो गया माइनस थ्री। सोल्व करते हैं इसको तो फोर एज इट इज, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। सोल्व करें इसको तो कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस, और नाइन में से फोर गया कितना बच्चा हमारा सिंपल फाइव, ठीक है। तो हमारा फोर्थ टर्म जो है वो कितना आ गया माइनस फाइव, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ टर्म मिल गया थर्ड वन का भी, ठीक है। अब करते हैं हम लोग सिंपल पार्ट फोर, ठीक है। तो सिंपल पार्ट फोर भी सेम टू सेम ऐसे ही होने वाला है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ और नहीं होता बल्कि क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया हमारे पास माइनस वन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया माइनस वन। ए टू फाइंड करना है, वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस वन, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है वन अपॉन टू, तो यहाँ पे वन अपॉन टू, ओके। अब यहाँ पे माइनस एज इट इज, अब ये बाहर निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास प्लस वन अपॉन टू। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे कुछ नहीं मतलब वन, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे टू वन जा टू, तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू, और यहाँ पे प्लस वन, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस, बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो हमारा सेकंड टर्म जो है कितना आ गया माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। बेसिक्स मैथ आपको आना चाहिए, हर एक चीज आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए थ्री फाइंड करना था, ए की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना देके रखा है यहाँ पे माइनस वन, तो ये हो गया आपका माइनस वन प्लस टू एज इट इज। डी की वैल्यू हमारे पास कितना है वन अपॉन टू, तो ये हो गया वन अपॉन टू। सॉल्व करते हैं तो माइनस वन एज इट इज, अब प्लस है तो प्लस ही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा सिंपल, ये इससे कैंसिल भी होगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा कितना सिर्फ और सिर्फ वन, अब यहाँ पे वन में से वन गया कितना बचा आपका जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमारे पास जीरो आ गया। फोर्थ टर्म भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू है माइनस वन प्लस थ्री एज इट इज, और डी की वैल्यू हमारे पास वन अपॉन टू। सॉल्व करते हैं इसको तो माइनस वन एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, अब ये कैंसिल नहीं होगा तो थ्री वन जा थ्री, तो थ्री अपॉन टू। सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं मतलब वन, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया आपका टू, वन को कितने टाइम पढ़ोगे टू आएगा टू, तो ऊपर टू से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा आपका माइनस टू, है ना। प्लस बीच में एज इट इज टू वन जा टू, तो ऊपर वन से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया थ्री। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ गया प्लस माइनस माइनस, बड़ा साइन किसका है प्लस का, तो प्लस, और थ्री में से टू गया कितना बचा वन, और नीचे टू, ठीक है। तो ये कितना आ गया वन अपॉन टू, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कितना भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट फोर का आंसर। अब करते हैं हम लोग पार्ट फाइव। तो देखिए पार्ट फाइव में हमारे पास ए की वैल्यू कितना है माइनस वन पॉइंट टू फाइव, तो ए वन कितना हो गया माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म भी हो गया हमारे पास माइनस वन पॉइंट टू फाइव। अब ए टू फाइंड करना है तो सिंपल हमारे पास वैल्यू है ए और डी की, है ना, तो ए कितना है हमारे पास माइनस वन पॉइंट टू फाइव, प्लस डी की वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए माइनस एज इट इज माइनस वन पॉइंट टू फाइव, अभी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, और वन पॉइंट टू फाइव प्लस करेंगे जीरो पॉइंट फाइव, तो कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव जीरो, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास इन दोनों को प्लस करने पे कैसे कितना आ गया 1.50, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ए थ्री की वैल्यू, ठीक है। तो ए थ्री कितना है हमारे पास, सिंपल वही करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1.25 प्लस टू एज इट इज, डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 0.25 माइनस का, तो माइनस 0.25। सॉल्व करते हैं तो ये माइनस एज इट इज, तो माइनस 1.25, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 250, तो माइनस 0.50। जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, तो 1.75, ठीक है। तो हम लोग का थर्ड टर्म कितना मिल गया माइनस 1.75, है ना, तो माइनस 1.75। सेकेंड टर्म कितना मिला था हमें यहाँ पे माइनस 1.50। एंड फोर्थ टर्म फाइंड करना बाकी रहा, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी फाइंड कर लेते हैं, एक ही वैल्यू हमारे पास दे के रखा है माइनस 1.525 प्लस एज इट इज और थ्री एज इट इज, डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं माइनस 1.25 एज इट इज प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, और 25 को हम लोग यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 75, और वो भी यहाँ पे माइनस का, है ना, तो यहाँ पे 0.75 आ गया, ठीक है। अब जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सिंपल कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन किसका आएगा माइनस का, और 75 में 25 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा इट मीन्स 200, ओके। तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 200 मतलब 2 माइनस 2। तो सिंपल हमारे पास ए4 कितना आ गया माइनस
टू डबल जीरो, जीरो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप लोग यहाँ पे टू भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो सिंपल ये था आपके पास पार्ट फाइव का आंसर। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।